बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर टू का टेस्ट आप लोगों ने दिया, होपफुली कि बहुत अच्छा टेस्ट दिया होगा आपने। उसकी डिस्कशन की तरफ चलते हैं हम। बेटा, पहला सवाल आपके पास ऑब्जेक्टिव में था कि इफ़ वेक्टर ए इज़ इक्वल टू 8i + 6j मेक्स एन एंगल ऑफ 60° विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्स कंपोनेंट। इसमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड पूछी है। तो आप वेक्टर में देखें, 8i आपको मालूम है कि जो i है दैट रिप्रेजेंट्स द एक्स एक्सिस, तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे 8 को ही काउंट करना होगा। जब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने जाएंगे तो अब आपके पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब मैग्नीट्यूड एक्स कंपोनेंट की निकालनी होती है तो फार्मूला क्या होता है, a cos थीटा। अब a की जगह आ जाएगा 8 cos 60, cos 60 कितना होता है 0.5 यानी हाफ, तो आंसर विल बी 4 यानी चार्ली ऑप्शन ठीक होगा आपका। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, विच क्वांटिटी इज़ द स्केलर। अब इन चारों में देखें, मोमेंटम वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, तो एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी, अंडरस्टूड सी बात है। नंबर 3, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर पॉइंट अलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस, यानी अब जो प्रोडक्ट का आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में आ रहा है, तो हमारे पास ए और बी वेक्टर्स का पूछा गया है कि उनका प्लेन क्या होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आई क्रॉस जे इक्वस टू के, जे क्रॉस के इक्वस टू आई, तो उस मेथड के तहत हमारे पास जब ए क्रॉस बी जेड एक्सिस में है तो वेक्टर लाई कर रहे होंगे एक्स वाई प्लेन के अंदर, यानी ऑप्शन सी आएगा चार्ली। नंबर 4, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स ए एंड बी। अब क्रॉस प्रोडक्ट है दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का, यानी एंगल कितना बन रहा है 180°। आप लिखेंगे ए बी साइन 180, साइन 180 कितना होता है 0। अब क्योंकि ये 0 आंसर आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट का, यानी वेक्टर प्रोडक्ट का, जब किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 आती है तो वो नल वेक्टर होता है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा चार्ली ऑप्शन, इसमें आपने 0 नहीं लिख देना, इस बात का ख्याल रखना क्योंकि हम वेक्टर क्वांटिटी को डील कर रहे हैं। नंबर 5, इफ़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वैक्टर्स ए एंड बी इज़ 0, कि दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया और जवाब 0 आ गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी। अब एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि डॉट प्रोडक्ट में जब भी आंसर 0 आता है वो ऑर्थोगोनल कंडीशन होती है, यानी उसका मतलब होता है वो दोनों वैक्टर आपस में परपेंडिकुलरली हेल्ड कर रहे थे 90 के एंगल पर। अब 90° पर स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या देता है, मैक्सिमम आंसर, तो आपका आंसर बेटा क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए बी, यानी चार्ली ऑप्शन आएगा सी। इसके बाद हमारे पास है कि लेट द टॉर्क सी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज, इसमें आपको टॉर्क की वैल्यू दे दी गई और टॉर्क की डायरेक्शन पूछी गई है, तो ये बहुत सिंपल सा सवाल था कि इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन होगी, तो डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। नंबर 7, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये अब तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं आई प्लस जे प्लस के, तो ये तीनों आप जानते हैं ये ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो उसके मुताबिक हमारा आंसर आएगा 1² + 1² + 1² होल स्क्वायर रूट, तो आंसर विल बी √3 यानी सी ऑप्शन आएगा। आखिरी ऑब्जेक्टिव नंबर 8 है कि व्हेन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर इट्स डायरेक्शन। जब हमने रिवीजन सेशन किया था, मैंने उसमें मल्टीप्लिकेशन वाले सेशन में आपको बताया था कि जब किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन टोटली 180° पर इन्वर्ट हो जाएगी, तो आंसर आएगा चेंज बाय 180°। इसके बाद हमारे पास बचे शॉर्ट क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान शॉर्ट क्वेश्चन, तकरीबन सारे एक्सरसाइज से ही थे। जैसा कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इसके आंसर में आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ना सिर्फ डिफाइन करना है बल्कि डायग्राम भी बनानी थी कि एक वेक्टर को आपने रखना है एक्स वाई प्लेन में और उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रा करने थे। क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन में जब तक आप ड्रा या स्केच नहीं करेंगे आपके दो नंबर पूरे नहीं आ सकते, तो अपने नंबर्स को सेव करने के लिए, डिडक्शन से बचाने के लिए आंसर को ब्रीफली लिखना है। सेकेंड है, नेम द डिफरेंट कंडीशंस दैट कुड मेक a1 × a2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, दो वेक्टर की 0 कब होगी, बहुत ही सिंपल सा है कि दोनों वेक्टर पैरेलल हों, दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हों, या दोनों में से कोई एक नल वेक्टर हो जाए, तो तब आंसर नल वेक्टर यानी 0 आ जाएगा।
नंबर थ्री है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर अ बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। वेरी सिंपल, कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब इन दिस कंडीशन बोथ फर्स्ट एंड द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मस्ट बी सेटिस्फाइड। द बॉडी मस्ट बी ट्रांसलेशनली एंड रोटेशनली स्टैटिक, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस भी जीरो हो और सम ऑफ द टॉर्क्स भी जीरो हो। तो दोनों कंडीशंस का आप इसमें हवाला देना था, तो ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए दोनों कंडीशंस होती हैं। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, कैन यू ऐड जीरो टू अ नल वेक्टर। नो, हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी को ऐड नहीं किया जा सकता। अब जीरो इसमें क्या है, एक स्केलर नंबर है जीरो, और नल वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्योंकि दोनों को ऐड हम नहीं कर सकते तो लिहाजा ये भी मुमकिन नहीं होगा। नंबर फाइव, इफ ए क्रॉस बी इज सेम एज दैट ऑफ बी क्रॉस ए, इफ नॉट देन व्हाई नॉट एक्सप्लेन। ये वही कमोटेटिव प्रॉपर्टी आ गई, हमने अपने रिवीजन सेशन में डिटेल से मैंने आपको बताया था कि ए क्रॉस बी में हमारा जो डायरेक्शन होता है प्रोडक्ट का अपवर्ड होता है, बी क्रॉस ए में डाउनवर्ड। ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, सो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल, और इसमें आपने डायग्राम भी लाजमी बनानी थी। नंबर सिक्स, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू नल वैक्टर, वट कैन यू से अबाउट द कम्पोनेंट्स। अगर ए प्लस बी आपके पास नल वैक्टर है तो फिर आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू, ये बी उधर चला जाएगा तो माइनस बी आ जाएगा। इट मीन्स फिर आप नीचे लिखेंगे कि इट शोज़ दैट टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जब वेक्टर्स ऐसे हैं तो उनके कंपोनेंट्स का बिहेवियर भी सेम होगा। सेवंथ शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक जो इक्विलिब्रियम आपके पास है उसमें बॉडी, उसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी इज एट रेस्ट, जीरो वेलोसिटी, जीरो एक्सेलरेशन। अब डायनामिक के अंदर हमारे पास क्या है, बॉडी इज मूविंग बट विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगेन एक्सेलरेशन यहाँ भी जीरो होगा, लेकिन एक कंडीशन में हमारे पास वेलोसिटी जीरो होती है और एक कंडीशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो ये डायनामिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में डिफरेंस है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया गया था कि डिफाइन द टॉर्क एंड ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर इट, और ये आपका न्यूमेरिकल। अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने लिखा उसमें कि पहले आपने क्या बताना था कि टॉर्क क्या है, रिजिड बॉडी क्या होती है, और रिजिड बॉडी पर फिर आपने फोर्स के कंपोनेंट्स बना के रिजॉल्व करना था, फिर पोजीशन वेक्टर को रिजॉल्व करना था, तो तब आप जाकर पाँच नंबर गेन कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर टू, उसकी डिस्कशन थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होगा। वालदैन से भी तावन की पूरी तवक्को है।